नमस्कार, एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं हम प्रत्याशियों की। देखिए, प्रत्याशियों का जो जनसंपर्क है, जो प्रचार प्रसार अभी तक चल रहा था, वो बंद हो चुका है। मैदान जो है वो प्रत्याशी अब छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब जनसंपर्क और प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही भी यहाँ पर की जाने वाली है। लेकिन मैदान छोड़ा है तो अब प्रत्याशी कहाँ गए हैं उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, जीत के लिए बगलामुखी और महाकाल की शरण में अब नेता लोग पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, अब प्रत्याशियों की जो धड़कने हैं वो बढ़ती जा रही है और जनता जनार्दन से ज्यादा अब उन्हें तंत्र मंत्र पर भरोसा होने लगा है। मंदिरों की शरण में, भगवान की शरण में अब प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। इसके पहले वो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि जनसंपर्क कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों के घर घर दस्तक प्रत्याशी दे रहे थे और अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे। लेकिन अब इसका समय जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब प्रत्याशी भगवान के द्वार पर पहुंच रहा है। चुनाव में जीत के लिए नेता जो है अब वो अब अनुष्ठान करवा रहे हैं। अगर हम इसी कड़ी में बात करें बगलामुखी माता मंदिर की, तो यहाँ पर शत्रुनाश, प्रत्यंगिरा और कवच का पाठ भी करवाया जा रहा है। महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक करवाया जा रहा है। प्रचार में व्यस्त होने के कारण नेताओं के पास समय नहीं था कि वो मंदिर जा सके, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि मंदिर जाने पर ही सिर्फ उन्हें भरोसा है और भगवान के हाथ में ही अब सब कुछ है। लिहाजा अब पंडितों को उनके फोटो और उनके प्रतिनिधियों से पहले काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन अब नेता खुद मंदिर पहुंच रहे हैं। देखिए, सुबह माँ बगलामुखी की आरती के बाद अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं जो कि रात भर चलते हैं। ज़्यादातर ब्रह्मास्त्र महाविद्या का अनुष्ठान करवाते हैं, जिसमें 36,000 और 25,000 मंत्रों की आहुति इसमें दी जाती है। प्रचार के कारण यजमान तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके घर वाले या फिर प्रतिनिधि को वहाँ पर पहुँचाया जा रहा था। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि थे वो उनकी फ़ोटो लेकर के वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे नेताओं का पहुँचने का सिलसिला जो है वो महाकाल और बगलामुखी पर तेज हो चला है। मंदिर परिसर में हवन कुंड के लिए हवन के लिए 31 कुंड हैं और 300 पंडित यहां पर हैं। सभी के पास एडवांस बुकिंग है। यहां पर हवन पूजन किया जा रहा है, मंत्रों का जाप करवाया जा रहा है, बड़े बड़े यज्ञ करवाए जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी नहीं, ये तो 17 तारीख को ही पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मतगणना के दौरान प्रतिबंध मोबाइल रहने वाला है, लेकिन मतदान के दिन क्या होगा इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आता है मतदान। चुनाव के पर्यवेक्षक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक के इस प्रतिबंध से मुक्त रहने वाले हैं, यानी कि वो मोबाइल फोन मतदान वाले दिन ले जा सकते हैं। लेकिन जो मतदान करने के लिए जाएंगे वो मतदान केंद्र के आसपास तक अपने मोबाइल जो है वो नहीं ले जा सकते हैं, या तो फिर उनके मोबाइल जो है आपको बंद करना पड़ेंगे, स्विच ऑफ आप कर सकते हैं आपका फ़ोन, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर ही आपको इसको रखना पड़ेगा ताकि वे आयोग से सतत संपर्क बनाकर रख सके प्रेक्षक, इसलिए उन्हें मोबाइल वहां पर वो लोग उपयोग कर सकते हैं। इंदौर नगर निगम चुनाव की मतदान जो है वो नेहरू स्टेडियम में होने वाला है और ऐसे में यहां मतदान के दिन मोबाइल फोन अंदर लेकर जाने पर रोक भी रहने वाली है। काफ़ी सख्ती यहां पर दिखाई जाएगी क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी यहां पर रहने वाली है ताकि कोई भी व्यक्ति मोबाइल अंदर लेकर ना जा पाए और काफ़ी यहां पर चेकिंग भी की जाएगी। नेहरू स्टेडियम पे काफ़ी सख्ती यहाँ पर दिखाई जाने वाली है, काफ़ी बैरिगेटिंग की जाने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मतदान दिवस पर निजी और शासकीय कर्मचारी को सवैतनिक अवकाश भी मिलने वाला है। देखिए, इंदौर नगर निगम चुनाव के लिए 6 जुलाई को मतदान होना है और अधिक से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए सभी औद्योगिक, निजी और शासकीय संस्थानों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश जो है अब वो दिया जाएगा। मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान प्रदत्त है। मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए राज्य शासन द्वारा 6 जुलाई को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर जिले के नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए सभी औद्योगिक, व्यावसायिक एवं निजी संस्थानों को आदेश दे दिए हैं। इसमें ये कहा गया है कि वो उनके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए आधे दिन का सवैतनिक अवकाश दे, यानी कि हाफ डे आप दे सकते हैं। अगर
जो मतदान देने के लिए जा रहा है अगर वो उतने समय वापस आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ पा रहा है तो भी आपको उसको अवकाश उस दिन का देना पड़ेगा, लेकिन उसकी उस दिन की सैलरी नहीं काटी जाएगी। इस प्रकार के आदेश जो हैं कलेक्टर मनीष सिंह के द्वारा दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के मध्य होने वाला है। यदि किसी कर्मचारी का कार्यक्षेत्र उनके मतदान केंद्र से दूरी पर है और वे आधे दिवस में मतदान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें पूरे दिवस का वैतनिक अवकाश दिया जाएगा, यानी कि पूरे दिन की सैलरी उन्हें देना ही होगी। यह आदेश इंदौर जिले के सभी नगरी क्षेत्र के मतदाताओं के लिए प्रभावशील रहने वाला है। इसी तरह निजी स्कूल और कॉलेज भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अवकाश प्रदान करेंगे। औद्योगिक, व्यावसायिक, निजी स्कूल और कॉलेज सहित संस्थान यह भी परीक्षण कर ले कि जिन मतदाताओं को अवकाश प्रदान किया जा रहा है उन्होंने वास्तविक रूप में मतदान किया है या फिर नहीं, यानी कि जो व्यक्ति छुट्टी लेकर के या फिर हाफ डे लेकर के मतदान केंद्र के की तरफ जा रहा है, मतदान करने के लिए जा रहा है, उसने वाकई में मतदान किया है या फिर नहीं ये भी जांच ले और उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो अपने मत का प्रयोग अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये उनका हक भी है और उन्हें या सभी को मतदान अवश्य ही करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन की। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की नगरीय निकाय के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इंदौर की सफाई व्यवस्था को देखने के लिए इंदौर पहले आ चुके हैं। एक सप्ताह में कई दलों के प्रतिनिधि इंदौर आकर के सफाई मॉडल जो है वो भी देख चुके हैं और सिक्किम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने इंदौर की सफाई व्यवस्था का अब अवलोकन किया है। सिक्किम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर थॉमस कैंडी यहाँ पर आए थे और प्रशासनिक अधिकारी से मिले और यहाँ की सफाई व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह से ये मॉडल बना, किस तरह से 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर आया है ये भी जाना और कैसे यहाँ पर सफाई होती है, कैसे सूखे और गीले कचरे को अलग अलग किया जाता है, कैसे डिकम्पोज होता है, कैसे उससे खाद बनाई जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर जाना है। दल के सदस्यों को यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस प्रकार से इंदौर शहर से कचरा पेटी को हटाकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को लागू किया गया है। कचरा संग्रहण वाहन अपने निर्धारित रूट व समय पर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पहले गीला सूखा कचरा संग्रहित किया जाता है, अब हर दिन 6 बीन की तर्ज पर 6 प्रकार का कचरा संग्रहित किया जाता है। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी कई सारे दल इंदौर आ चुके हैं और यहाँ का सफाई मॉडल जो है वो देख चुके हैं, किस प्रकार से अलग अलग कचरों को किया जाता है और किस प्रकार से उसे यूज़ किया जाता है, ये बहुत देखने वाली बात होती है, ये काफ़ी काबिले तारीफ है इस बात की। देखिए, यहाँ की सफाई व्यवस्था देखने के बाद कई राज्यों में इसे लागू भी किया जा चुका है और कई सारे लोग जो दल आए हैं यहाँ पर वो काफ़ी खुश भी होकर गए हैं कि यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को संभाला गया है, इतनी अच्छी तरीके से काम हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के 19 आइटमों पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन ग्वालियर में चुनाव में अमला व्यस्त होने के कारण सख्ती यहाँ पर नहीं बरती जा रही थी, लेकिन हम आपको बता दें कि इंदौर में काफ़ी सख्ती बरती गई है। कई जगह पर प्लास्टिक का यूज़ जब किया गया तो यहाँ पर चालान भी बनाए गए हैं, 4 से 5 चालान इंदौर में बनाए जा चुके हैं, लेकिन ग्वालियर में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चुनाव में जो निगम कर्मचारी हैं या फिर जो बाकी लोग हैं वो लोग व्यस्त थे, इस वजह से यहाँ पर सख्ती नहीं दिखाई गई। और हम आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि पहले यह निगम चुनाव का मतदान 6 जुलाई को है, पहला चुनाव जो है वो 6 जुलाई को है और दूसरा यह कि यहाँ पर भड़िया नवमी को 9 जुलाई तक शादी के मुहूर्त जो है वो भी है। इसके चलते दुकानदारों ने प्लास्टिक के ग्लास, कप, प्लेट, चम्मच जैसे आइटम जो है वो स्टॉक कर लिए थे और बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए का माल अभी भी स्टॉक में है। अब चुनाव बाद नगर निगम इस मामले में सख्ती बरतेगा और कार्रवाई कर कमान भी संभालेगा। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सख्ती बरती जाएगी, लेकिन अगर इसमें उल्लंघन पाया जाता है तो सख्ती बरत के कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। हालांकि इंदौर में ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन बाकी शहरों में अभी ये लागू नहीं किया गया है, सख्ती वहाँ पर नहीं बरती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे कहा जा रहा है कि सख्ती अब धीरे धीरे बरती जाएगी और कार्रवाई भी ऐसे लोगों पर की जाएगी जो इस मामले पर उल्लंघन कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।